आज मैं आपको कोकोनट चटनी की रेसिपी बताऊंगी जो मोस्टली हमें स्ट्रीट फूड पे मिलती है, डोसे के साथ में, इडली के साथ में, मेदू वड़े के साथ में हमें। तो यहाँ पर मैंने फ्रेश कोकोनट ले लिया है अराउंड 1 कप और उसको मैंने पीस लिया है। और यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून के करीब में चने ले लिए हुए हैं, भुने हुए चने। ये आपको कोई भी ग्रोसरी स्टोर बनिया के पास में मिल जाएगा। और इसके अंदर मैं हरी मिर्चें लूँगी, मैं स्पाइसी खाती हूँ इसीलिए मैं 6 हरी मिर्चें ले लूँगी। और तड़के के लिए हमें इसमें यूज़ होगा ये मस्टर्ड सीड 1 टीस्पून, और यहाँ पर मैंने लाल मिर्च 2 ले ली है और कड़ी पत्ते ले लिए हैं। सॉल्ट इसमें जाएगा अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। और तड़के के लिए हमें ऑयल लगेगा 1 टेबल स्पून के करीब में। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इसके अंदर ये मिर्ची डाल के मैं इसे अच्छे से पीस लूँगी। पीसना नहीं है पहले, तो ये पहले मैं मिर्ची डाल देती हूँ सारी। और हमें इसे जो चना है इसे हमें थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है, मे बी अराउंड 1 मिनट के लिए। फिर हमें इसके अंदर डाल के हमें पीस लेना है। तो यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा भून लूँगी, इसे हमें कलर आने तक भून लेना है। 1 मिनट ही लगेगा इसमें कलर आने में। तो ये देखिए ये अच्छे से भून गया है। तो मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूँगी और इसे हम ठंडा होने देंगे फर्स्ट, एंड देन फिर इसमें डालकर मैं इसे पीस लूँगी मिक्सर में। अब इसी के अंदर मैं ये जो मैंने नारियल मिर्ची जो पीसा था वो मैं इसमें डाल दूंगी। और इसके अंदर आप सॉल्ट डालिए अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अब मैं इसे मिक्स कर लूंगी अच्छे से। बस हमें सिर्फ तड़का देना है, हमें इसको कुक नहीं करना है। तो ये देखिए ये चटनी रेडी हो गई है। आप चाहो तो इसे कोथमीर के साथ में गार्निश कर लीजिए।